इस साल करंट प्राइज एज पे हमारी ग्रोथ रेट 19.76% है। मध्य प्रदेश का देश की जीएसडीपी में पहले योगदान था 3.6%, अब बढ़ के हो गया 4.6%। हमने हमारी जीएसडीपी को जो पहले 3.5 लाख करोड़ की हुआ करती थी, 11.5 लाख करोड़ के पार ले गए। पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश में कभी हुआ करती थी जब हमने सरकार संभाली थी तब थी केवल 13,000 रुपया, पर कैपिटा इनकम बढ़ के हो गई है 1,37,000। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, मैं इसको और तेजी से आगे बढ़ाना चाहता हूं। एक बात और कहती हूं, मुझे प्रसन्नता है कि बेरोजगारी की दर अगर देश में सबसे कम किसी राज्य में है तो वो है मध्य प्रदेश, 0.8%। हमने रोजगार के कई अवसर सृजित किए हैं और अभी निवेश भी आमंत्रित करने आए हैं, तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। उसमें मध्य प्रदेश का मैक्सिमम सहयोग हम कैसे करें, इसलिए मध्य प्रदेश की प्रगति, विकास के लिए, रोजगार के नए अवसरों को सृजित करने के लिए, मध्य प्रदेश की संभावनाओं का संपूर्ण दोहन करने के लिए आज मैं आपको आमंत्रित करने आया हूं। अब जो बातें प्रेजेंटेशन में कही गई हैं, अलग अलग संजय शुक्ला जी ने, राजवर्धन जी ने बताई है आपको, मैं उनमें से एक एक को दोहराना नहीं चाहता, बहुत ब्रीफली मैं बताना चाहता हूं। शानदार इंफ्रा है हमारा, 3 लाख किलोमीटर सड़कें हमने बनाई है। एक जमाना था मध्य प्रदेश की पहचान खराब सड़कों के रूप में होती थी। यहां मुंबई में जो लोग बैठे जानते थे, जब महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश जाते थे तो पता चल जाता था कि मध्य प्रदेश आ गया, लेकिन अब उल्टा हो गया है। अब आप मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में घुसेंगे तो शायद पता चलेगा आपको। हमारे पास शानदार सड़कें हैं, सिंचाई की जो व्यवस्था है, कभी 7.5 लाख हेक्टर मध्य प्रदेश में हुआ करती थी, अब 45 लाख हेक्टर हम कर चुके, 65 लाख हेक्टर तक ले जाएंगे। पानी की पर्याप्त व्यवस्थाएं यहां बताई गई है और उसके कारण जो खेती हमारी आगे बढ़ी, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया, हम नंबर वन है आज। और एमपी वीट आप जानते हैं, मुंबई वाले भी दीवाने हैं उसके, एमपी वीट के नाम से जितनी ये कंपनी आजकल आती है ना आटा बनाने वाली, सोने जैसे दाने, वो हमारे ही होते हैं मध्य प्रदेश के ही, चाहे बाबा रामदेव हो चाहे आईटीसी हो। हमारा गेहूं, हमारा बासमती राइस कनाडा अमेरिका एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, हमारी दालें, हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अनंत संभावनाएं, और हमारे यहां कोई अशांति नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज भी हो रही है, कंपनी आती है, कई कई कंपनियां आईटीसी जैसी कंपनी तुलसी और अश्वगंधा पैदा कर रही, किसान लगा रहे, पहले से बात हो जाती है किसान की, कंपनी की कोई असंतोष नहीं होता।